हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल हर कृष्णा अकेडमी फॉर इंग्लिश एजुकेशन। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है बायोग्राफी ऑफ पी वी शैली का पूरा नाम पर्सी बिशे शैली। इनकी बायोग्राफी के साथ ही हम इनकी कुछ नोटेबल वर्क को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनकी बायोग्राफी में हम इनकी डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे। 4 अगस्त 1792 एट फील्ड प्लेस नियर होर्शम, वेस्ट ससेक्स, इंग्लैंड। इनका इंग्लैंड में फील्ड प्लेस में इनका जन्म हुआ था। इनके फादर जो थे वो टिमोथी शैली, इनकी जो मदर थी वो एलिजाबेथ बिलफोल्ड, और इनके जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी है वो है ईटन कॉलेज, इनकी प्रारंभिक कॉलेज है, और इनकी जो ऑक्सफोर्ड ये यूनिवर्सिटी है वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। और फ्रेंड्स, जब ये पी वी शैली ऑक्सफोर्ड में एंट्री किए थे, इनकी एडमिशन हुई थी वहाँ पे, तो इन्होंने स्टार्टिंग में ही अपने दो ट्रैक्ट्स को पब्लिश किया था, जिनकी टाइटल है प्रोमीथियस फ्रैगमेंट्स ऑफ मार्गरेट निकोलसन, और सेकंड जो बुक थी उसकी टाइटल थी द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। ये दोनों ही जो इनके वर्क थे, ट्रैक्ट्स थे, वो इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी के कारण बने, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो पी वी शैली थे इनको इनके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था बाहर, इनके फ्रेंड के साथ जिनका नाम था हॉग। कब निकाला गया था? 25 मार्च 1811 को निकाल दिया गया था, क्योंकि फ्रेंड्स उस दौरान उसमें जो पॉलिटिकल रीजन थे या चर्चेस के प्रॉब्लम थे उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा ओपनली डिस्कस किया हुआ था, जिसका रीज़न ये हुआ कि सभी लोग इनके अगेंस्ट हो गए और वो नहीं चाहते थे कि उनकी यूनिवर्सिटी में इस तरह से किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी हो, तो इनको निकाल दिया गया था यूनिवर्सिटी से। और इन्होंने सबसे पहली शादी मार्ग किससे किया था, हैरियट वेस्टब्रुक से किया था, जो कि टोटली क्या हुआ था, अनसक्सेसफुल शादी रही थी, क्योंकि इनके खुद के फादर ने इनको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था, क्योंकि जो ये वेस्टब्रुक थी वो ज़्यादा रिच नहीं थी अपने मायके से, तो क्योंकि ये लोग एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी, तो इनको नहीं अच्छा था कि ये किसी पुअर लड़की से शादी करें। इन्होंने इनसे कब शादी किया था, 1811 में शादी किया था, और बाद में ये जो हैरिट वेस्टब्रुक थी ये सुसाइड भी कर लेती हैं, और सेकंड टाइम ये फिर दूसरी शादी कब करते हैं, किससे से करते हैं, मैरी गॉडविन से करते हैं। ये इनकी शादी सक्सेसफुल रही थी, जिससे इनको एक बेटा भी था जिसका नाम था विलियम शैली। और इनका बेटा कब पैदा हुआ था, 24 जनवरी 1816 में पैदा हुआ था। और पी वी शैली की डेथ हम देख लेते हैं। पी वी शैली की डेथ बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिकल डेथ थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब ये इटली जा रहे थे उस दौरान इनकी बोट डूब गई थी, जिससे इनकी डेथ हो गई थी, और 2-3 दिन बाद ही इनकी बॉडी मिल पाई थी। और जब इनकी बॉडी मिली तो टोटली इनकी बॉडी क्या हो चुकी थी, डीकम्पोज हो चुकी थी, मीन्स पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम था इसको रिकॉग्नाइज करना, पहचान करना। लेकिन इनके कपड़ों से और इनके कपड़ों के पॉकेट में जॉन किट्स की लैमिया बुक की एक कॉपी थी, जिसके वजह से इनकी पहचान हो सकी थी कि ये पी वी शैली ही है। इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं जो हम इस तरह से देखते हैं। इन्होंने लॉन्ग पोएम भी लिखा है, लॉन्ग पोएम में इनका एलॉस्टर, जिसकी एक दूसरी भी टाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि कब आई थी, 1815 में, और जूलियन एंड मैडालो ये 1819 में आई थी, एडनास 1821 में, प्रोमीथियस अनबॉर्न 1820 में आई थी, हेलास 1822 में, और द ट्रम्फ ऑफ लाइफ 1822 में आई थी। और इनके कुछ लिरिकल प्लेस भी हैं जो कि इस तरह से हैं, द सेंसी ओडिपस टायरनस, इसकी एक दूसरी टाइटल भी है स्वेलफूड द टायरेंट, और इसमें जो हेलास है और प्रोमीथियस अनबॉर्न ये दोनों वर्क भी क्या है, लिरिकल प्लेस ही हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है, बहुत लंबी पोएम है, इसीलिए इसको हम किसके कैटेगरी में रखते हैं, लॉन्ग पोएम की कैटेगरी में रखते हैं। और इनके कुछ अदर इम्पॉर्टेंट वर्क हैं जो कि इस तरह से हैं, म्यूटेबिलिटी, टू कॉलरीज, टू वर्ड्सवर्थ, ओ टू लिबर्टी, ऑन द डेथ ऑफ नेपोलियंस, द डर्स, अ लैमेंट, ओ टू द वेस्ट विंड, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, टू नाइट,
स्टेंजा रिटेन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स, ओजिमेंडियास, द क्लाउड, टू अ स्काईलार्क, क्रिटिकल प्रोज वर्क और ट्रैक्स। इन्होंने कई सारे ट्रैक्स भी लिखे थे, क्रिटिकल ट्रैक्स, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वर्क था उसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द डिफेंस ऑफ पोएट्री, द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म।